गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभी नहा के आ गई हूँ और नहा के मैंने नाइटी पहना हुआ है, उसके बाद मैं साड़ी पहनूंगी। बाथरूम से नहा के आती हूँ तो पहले आज संडे है तो मैंने हेयर वॉश कर लिया है, अभी उसके बाद मैं सिंदूर लगा ले रही हूँ। है गाइस, वेलकम वेलकम बैक माय चैनल राधा मनोज ऑफिशियल ब्लॉग। आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं किचन से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। हमेशा एक जैसा ब्लॉग नहीं देना चाहिए कुछ। देखिए, अभी मैं कुकिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने चावल को चढ़ा दिया है। यहाँ पे मैं छोले बनाऊंगी। छोले के लिए मैंने लहसुन और एक आलू यहाँ पे भात बन रहा है। ये देखिए हमारा भात हो रहा है। हम लोग मार पसा के भात बनाते हैं, इसलिए ये देखिए। फुल डे रूटीन आपसे शेयर करूंगी कि सुबह से लेके मैं पूरा दिन क्या करती हूँ। ओके, बने रहिए ब्लॉग में, बने रहिए ब्लॉग में आप। मैं आया था तो मैं अपने बाड़ी में चली गई हूँ। देखिए अमरूद इतना लगा हुआ है गाछ में, छोटा छोटा अमरूद और नींबू लगा हुआ है। देखिए, देख पा रहे हैं आप? क्योंकि मुझे मटर नहीं खाना है तो इसलिए सोची थी उसी में मिला के बनाऊं। पापा बोली बोली नहीं, ये तो आ जाने के लिए मेरे पापा जी इसे कमीन को तोड़ के सबको दे देंगे। अदरक लहसुन और जीरा धनिया हल्दी पाउडर नमक ये सब मसाले एक बाटी में मिला ले रही हूँ और उस पर घोल के उसे रख दूँगी। मैं दिखा रही हूँ, देखिए बोल के मैंने मसाले रख दिए। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक तेल नहीं छोड़ देता, उसके बाद हम लोग नमक इसमें चार सीटी लगाएंगे। रख दीजिएगा, मैं बस सिंपल सा बनाती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाना है, इसलिए यहाँ पे हमारा सब्जी फ्राई हो रहा है। देखिए मैंने बहुत कम मसाला, लाइट मसाला रखा क्योंकि मुझे ज़्यादा मसाला नहीं खाना है। यहाँ पे हमारा भात बन के तैयार हो गया है। देखिए हम लोग मार निकाल, अब इसमें जब तेल छोड़ देगा तो पानी रखेंगे। मैं मार नहीं पसाई, पापा पसाए, बट मैंने वो सब मतलब चावल वोल धो के चढ़ा दी थी। पर यहाँ पे हमारा चावल बन चुका है, यहाँ पे सब्जी बनेगा। उसके बाद हम आज सूजी के कचौड़ी बनाएंगे। चावल बन के तैयार हो गया है, वीडियो में बने रहे। यहाँ पे सब्जी भी तेल छोड़ दिया है, अब इसमें पानी ऐड करेंगे।
धो के रखा हुआ था, तो वो मैं बर्तन को सरिया दे रही हूँ बर्तन स्टैंड में। और देखिएगा मैं लेफ्ट हैंड से ही काम करती हूँ, नहीं सकती हूँ राइट हैंड से करने, इसीलिए आप लोग माइंड मत करिएगा कि लेफ्ट हैंड से क्यों करती हूँ। अब मैं सब्जी में पानी रखने के लिए फिल्टर से पानी निकाल रही हूँ। ये देखिए ये मूंग का दाल है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। थोड़ी सूजी का कचौड़ी बनाने के लिए मैंने मूंग दाल को ले लिया है, अभी इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, कढ़ाई में फ्राई कर लेंगे। आप मेरा मूंग का दाल रोस्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो हो जाएगा बस कंप्लीट। अभी से मिक्सर ग्राइंडर में रख के पूरा पीस देंगे, बेसन की तरह पीस देंगे इसे। ऐसे कचौड़ी बना के देखिए बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये देखिए सूजी, और सूजी के आटा बनाने के लिए पहले थोड़ा पानी रख देना है और तेल थोड़ा रख देना है और सूजी को मिला देना है। थोड़ा सा तेल रख दिया देखिए, अब उसके बाद इसमें सूजी ऐड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी रखेंगे, उसके बाद हम सूजी ऐड करेंगे। जब पानी अच्छी तरह बॉईल हो जाएगा तो हम सूजी ऐड कर देंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहिए और चलाते रहिए बीच बीच में। इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और नमक, और ये मूंग का दाल है, सॉफ्ट डो बना लेना है। चना मुझे नहीं खाना इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने यहाँ पे सूजी को पीस लिया था, आटा का जैसा मैंने कढ़ाई में बना के वो बनाया है। आज हम सूजी के कचौड़ी बनाएंगे। लहसुन, प्याज सब रख दिया, नीमक। आप वीडियो में बने रहिए, आप खट्टा भी रख सकते हो, बट मैंने नहीं रखा, मुझे खट्टा नहीं खाना है। अब इसको पूरा मसल देंगे, ये जो सूजी हमने बनाया था सूजी का आटा है, इसे पूरा अच्छा से मसल मसल के, ये देखिए मेरे पापा जी इसे मसल मसल के अच्छा सा बना दे रहे हैं स्टफिंग करने के लिए। देखिए आपने यार है ना, आपको नहीं मिला है देखिए। अब इसको ऐसे ऐसे कर लेंगे, स्टफिंग करेंगे। आज हम सूजी की कचौड़ी बना रहे हैं, ये देखिए रेसिपी मैंने आपको पूरा खुल दिया, आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी तो टेस्टी लगेगा। और कुछ छोला बना लीजिएगा, कुछ घूगनी, मटर या चना कुछ भी। कढ़ाई चढ़ा देंगे और छान के भी आप बना सकते हो, बट मैं नहीं छानूंगी क्योंकि अभी हम लोग का घर में कुल देवी का पूजा है, तो इसलिए हम लोग छानते नहीं हैं। एक महीना पूरा सावन का पूरा महीना हम लोग छान के नहीं बनाते। तो यहाँ पे मैंने तेल रख दिया है, आप देख रहे हो ज़्यादा तेल नहीं रखा है, हम थोड़ा सा। अब इसमें मैंने जितना बॉल बना के रखा है, जितना मैंने बॉल बना के रखा है ये सब उसमें हम लोग डालेंगे। उसके बाद जीरो स्टीम पे उसे स्टीम करेंगे, इसलिए आप लोग बने रहिए। ये देखिए जितना बोल बनाए हो आप इसमें आराम से एक एक रख दीजिए। सूजी का कचौड़ी
लाल कलर। इसे पलट पलट के जब ब्राउन हो जाएगा तो इसे निकाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा लिट्टी बनके तैयार हो गया, कचौड़ी, स्टीम कचौड़ी। अब इसको निकाल लेंगे। दूसरा और इतना बचा था, ये भी मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। ये देखिए आप बता सकते हो कि ये स्टीम किया हुआ है और खाने में तो इतना स्वादिष्ट होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देख कितना लजीज लग रहा है, आप देख। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना लिया सूजी की कचौड़ी स्टीम करके। आप लोग भी बनाइए घर पे। ये देखिए, दिखा दीजिए फ्लेश, थोड़ा दिखा दीजिए फ्लेश। ये देखिए यमी टेस्टी, एक थोड़ा ऐसे करिए तो फोटो मार दीजिए वहाँ से फोटो। ये देखिए हम लोग का खाना, ये देखिए दही। अब बताइए कैसा लगा, खा के दिखा दीजिए एक बार। अभी हम लोग खाना खाएंगे। बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ना। आप लोग भी एक बार ट्राई करो।